आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैलेंट कोचिंग सेंटर। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रेशनल नंबर, जो कि क्लास एट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए हम शुरू करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/10, 3/10 एंड 7/10। ये उस टाइप का क्वेश्चन है जब हम सबका डिनोमिनेटर मतलब इसके बीच का बिटवीन 7/10 के बीच का हम सबको क्या निकालना है, रेशनल नंबर। ये तब का क्वेश्चन है जब हम सबका डिनोमिनेटर सेम होगा, मतलब डी की वैल्यू सेम है। तो हम सबको करना क्या है, एक नंबर लाइन खींचना है। नंबर लाइन पे पहले हम सबको जीरो, इधर की वैल्यू हम सबको पता है कि पॉट की वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो क्या करना है, किसके बीच करेंगे हम 3/10 का और 7/10, मतलब 3/10 बिटवीन 7/10 का। तो सब में आप क्या करो, 10 से डिवाइड करो। तो हम सबका देखो यहां ये 3/7 है और ये 7/10 है। ये जो है ये इसके मिडिल में जो आ रहे नंबर रेशनल नंबर्स, ये हम सबका आंसर है। मिडिल रेशनल नंबर यही है, तो हम सबका आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर बिटवीन, रेशनल नंबर बिटवीन 3/10 एंड 7/10 इज 4/10 कम 5/10, 6/10। ये सब हम सबका आंसर होगा। केस सेकंड है, व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। क्वेश्चन है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। इसका जो सॉल्यूशन होगा, लेट्स लेट रेशनल नंबर टू बी ए एंड बी। नाउ वी फाइंड द मीन बिटवीन ए एंड बी। तो फार्मूला हम सबका जो बनेगा वो हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू। अगला क्वेश्चन है हम सबका, इसका जो एग्जाम्पल होगा, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। इसको हम सर सॉल्व करते हैं। तो हमारे रेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं, रेशनल नंबर हम सबका जो है, रेशनल नंबर जो हमारे हैं 1/4 एंड 1/2। इसका मीन निकालना है। नाउ फाइंड द मीन ऑफ 1/2 एंड 1/4 एंड 1/2 एंड 1/2। तो हम सब इसका निकाल लीजिए, 1/4 प्लस 1/2 का होल डिवाइड होगा 1/2। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, 2 प्लस इधर 4 1 का 4 आएगा, डिवाइड बाय नीचे कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनटू 2 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 6 बाय कितना 8 हो जाएगा,
डिवाइड बाई 6/8 इंटू इसका बाई 1 करो, ऊपर लेके जाएंगे पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3/8, तो हम सबका आंसर हो गया, इसका जो आंसर है ये हम सबका हो गया 3/8। मीन्स रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2 इज 3/8। हम सबका केस थर्ड है, फाइंड द थ्री रेशनल नंबर्स, फाइंड द थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन एंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अब की बार जो है हम सबको इसके बीच का तीन रेशनल नंबर निकालना, पहले 1 निकाला था, की बार 3 निकाला है। ये हम सबका क्वेश्चन है, फाइंड द थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो हम सब लिखेंगे सॉल्व यहां पे, पहले मीन निकालना है इसका, इसका मीन निकालना है, मीन ऑफ 1/4 एंड 1/2। तो इसका मीन निकालने के लिए हम सब क्या करेंगे, 1/4 प्लस 1/2 का होल डिवाइड बाई हो जाएगा 2। इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 2 आ जाएगा, 4 1 4 आ जाएगा, डिवाइड नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 आएगा, तो ये डिवाइड बाई 2 ऐसे ही रहेगा। हम सबका ऊपर का हो जाएगा 6/8 डिवाइड बाई 2। अब ये 6/8 यहां डिवाइड बाई 1 कर लेंगे, ऊपर ये होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, कैंसिल करेंगे, 3/8 जो है एक रेशनल नंबर निकल गया हम सबका इसका। अब किसका मीन निकालना है, मीन ऑफ 1/4 एंड 3/8 का, अब इसके बीच का मीन निकालना है, तो मीन निकालेंगे हम सब, हम सबको पता है 1/4 प्लस 1/8 का होल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो या एलसीएम लेके सॉल्व करो, जो भी करना है, इसका एलसीएम लेंगे तो हम सबका जो है, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लगाओ इसका, 8 1 8 आएगा प्लस ये 4 1 4 आएगा, नीचे में ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 32 होगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ऊपर में 16 हो जाएगा, हाँ ये हम सबका 12 आएगा, डिवाइड बाई 32, फिर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, फिर बाई 1 कर देंगे, इधर में क्या करना है, 12/32 इंटू में 1/2, इसका जो है कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हम सबका, ये कैंसिल होगा 6 आएगा, फिर इसको कैंसिल करेंगे 3 आएगा, फिर ये हम सबका 16 आएगा, आंसर इसका हो जाएगा 3/16। पहला रेशनल नंबर ये है, दूसरा रेशनल नंबर ये है, अभी हम सबको एक और रेशनल नंबर निकालना है, अब फिर निकालेंगे मीन ऑफ 3/8 एंड 1/2 इसके बीच का, इसके बीच का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये 1/4 और 3/8 के बीच का ये आंसर आया है, तो अभी इसके बीच का ये और 1/2 हम सबका 3/8 और 3/8 एंड 1/8 का, 3/8 एंड 1/2 के बीच का निकालना है मीन, तो हम सबको पता है 1/8 प्लस 1/2, फिर होल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम सब इसका, 3 2 6 होगा प्लस इसका 8 2 जो है 8 1 8 होगा, 8 2 16 होगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ऊपर का ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 14/16 डिवाइड बाई 2 फिर डिवाइड बाई 1 करेंगे, 14/16 हो जाएगा इंटू में 1/2 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 7 आएगा, तो 7/ कितना हो जाएगा 16, तो हम सबका आंसर हो गया, हम सबका आंसर जो होगा वो होगा रेशनल नंबर्स, थ्री
रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2 आर ये 3/8, 3/16 और कौन होगा 7/8, 7/16 होगा। इस तरीके से लिखें या हम सब जो है ये हम सबका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर से हम सभी बार रिपीट करते हैं। फाइंड द थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो हम सबको पहले पता है कि हम सबको करना क्या है, तो मीन ऑफ 1/4 एंड 1/2 जो नंबर दिए उनका मीन निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला हम सबको पता है, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। तो 1/4 प्लस 1/2 किसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 2 4 1 4 ये इसको ऐड करेंगे हम यहां पे, हम सबका ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। 8 ऐसे यहाँ लिखेंगे, 2 ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद ये 2/1 करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको हम सबने कैंसिल किया, ये 3/8 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 6 होता है तो 3/8 है। वो पहला हो गया मीन ऑफ, अब फिर निकालना है मीन ऑफ 1/4 एंड 3/8। मीन निकालने का ऊपर इस तरीके से 1/4 प्लस 1/8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 1 8 4 1 4 8 + 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे 32 आए। अब फिर एवाई करेंगे, फिर हम सब 2/1 करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो 1/2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6/ कितना हो जाएगा 6/32 आएगा। तो 6 को हमने 2 से काटा, 32 को 2 से, तो 3/ कितना हो गया 16, ये सेकंड आ गया 3/16। फिर निकालेंगे मीन ऑफ 3/8 एंड 1/8, 3/8 प्लस 1/8 डिवाइड बाई 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2/2 का 3 में 6 आएगा, 8 1 8 इसका नीचे कर लेंगे, 8 2 16 होगा, 2 ऐसे ही काट लिया, ऊपर को ऐड किया 6 + 18 6 + 8 14 होगा डिवाइड बाय 16, फिर 5/1 किया ऊपर लेके जाएंगे 1/2 इसको कट किया 7/16 तीन निकालना था, 5 2nd और 3rd। तो आंसर का आंसर होगा 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2 आर 3/8, 3/16, 7/ ये इजी मेथड है, इसको इजी रूल मेथड भी कहते हैं, इसको इनऑर्डर मेथड भी कहते हैं। फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -6/5 एंड 5/8। तो हम सब इसको कैसे करना है, देखो यहां पे रेशनल नंबर पहले अपने लिखने हैं -5/6 एंड 5/8। क्या करना है, इसका फैक्टर निकालो, 6 का पहले फैक्टर निकालो, 2 3 6 3 1 3 ये हम सबको 3 1 3 चलो। इसका 8 का निकालना है, 2 4 8 2 2 2 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके फैक्टर लिखने हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है। देखो अब जो मैच करेगा उसको हम सबको नहीं लेना है, जो नहीं मैच कर रहा है उस 8 वाले मल्टीप्लाई करो, और यहाँ जो मैच नहीं कर रहा वो 6 वाले में मल्टीप्लाई करना है। मीन्स इस 3 का 5/8 में, इस 4 का -6/4 इसमें करना है, -5/6 में करना है। तो हम सब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24 आएगा, इधर मल्टीप्लाई किया 15 आया, इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा हम सब 24 आएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गया, सेम टू सेम पहले की तरीके से होगा। रेशनल नंबर लिखना है इसके बीच का, तो हम सब रेशनल नंबर बिटवीन -20/20/24 एंड 15/24 अब लिख लेंगे। इससे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब घटते क्रम में लिखना है, 20 है तो 29 से स्टार्ट करना, -20 है तो 19 से शुरू करना है, -19/24 -18/24 -17/24 -16/24। इसी तरीके से अगर आपसे मान लो अगर और भी पूछता तो हम सब लिख सकते थे जो है -15/24 आगे और भी लिख सकते हैं -20/ ये कहां तक लिख सकते हैं 14/24 तक हम सब लिख सकते हैं, यहां तक लिख सकते हैं। अब कितने नंबर है उसको काउंट करना है, ऊपर से निकालना है, ऊपर से मतलब इसको और इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, जितना आएगा वो तुम्हारा होता है। मीन्स 35 के आसपास हम सबका रेशनल नंबर होगा। फाइंड द रेशनल नंबर, द रेशनल नंबर, द रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2
इस क्वेश्चन को हम सब एक बार फिर से इजी मेथड से करते हैं, इजी मेथड से करते हैं। तो हम सबको लिखना है पहले साल। देखो इजी मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, जो रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उस रेशनल नंबर को हम सब लिखेंगे जिसके बीच का पूछता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 एंड 1/2। हमने पहले भी बताया इजी मेथड में क्या करना, इसका और इसका फैक्टर निकालना। पहले 4 का फैक्टर निकालो कितना है, इसका आएगा 2, 2 जा 4, ये फिर 2, 2 1 जा 2। अब 2 का निकालो तो 2 का एक ही टाइम आएगा, 2 1 जा 2 होता है। अब 4 को यहाँ पे लिखो भाई कितना आ रहा है, 2 इंटू 2। अब फिर 2 का लिखो, 2 एक ही आया, ये जो मिल रहा है इसको नहीं लिखना, केवल इसको लिखना है। तो इस वाले को किस मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखो समझाते हैं, 1/4 एंड 1/2 किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 1/4 एंड ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। देखो इसके बीच का रेशनल नंबर निकालना है तो हम सबको क्या करना है, इसमें किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसके बीच का, क्योंकि ये सेम डिनोमिनेटर हो गया है। अब इसके बीच का निकाल ही नहीं सकते हम सब, तो रूल जो है हम सबको कैसे लगाना, किसी से मल्टीप्लाई करना। ये हो जाएगा 1/4 एंड 2/4 में जो है किसी से मल्टीप्लाई करो, या 1 इसके जो है बीच का इसके डिनोमिनेटर से छोटा लिखो, क्योंकि ये इक्वल आ रहा है इससे छोटा लिखो, मींस 1/4 फिर क्या लिख सकते हैं, इससे छोटा, मतलब इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 2 जा आएगा, 4 2 जा 8 होता है, यहाँ 8 लिखो, यहाँ जो भी नंबर लिखना है 5/8 भी लिख सकते हैं हम सब, और भी लिखो, इसका मल्टीपल लिखो, ये लिखेंगे इतना। अब इससे जो है छोटा लिख सकते हैं हम सर, जो भी लिखना है 3/ इतना करके, फिर अगला इसका भी मल्टीपल लिख सकते हैं, या एक और लिखना है तो इतना लिख सकते हैं 2/4। मींस इसका जो है जब बराबर हो जाता है, इसके बीच का नहीं अगर आता है कि पॉसिबल नहीं है, तो हम सब इसका जो है डिनोमिनेटर का मल्टीपल लेते हैं। जैसे 4 का मल्टीपल लेंगे तो 4 का मल्टीपल कौन होता है, 4 का मल्टीपल जो है 8 होते हैं, 8 होगा, 16 होगा, उसके बाद 32 होगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। बस डिनोमिनेटर का हमेशा ध्यान रखना है, इसका छोटा होना चाहिए, मीन्स जो भी ऊपर नंबर लिखना है 8 से छोटा लिखना है, फिर ये 16 लिखना है, 16 से स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, फिर 16 लिखेगा तो इसका भी स्मॉलेस्ट लिखो, क्योंकि हमको पता है इसके जो है बिटवीन तभी नंबर आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है हो रही है यहाँ पे, अगर फाइंड करें 0.25 आएगा, इसकी वैल्यू जो है 0.5, इसके बीच के नंबर लिखना है, इसलिए डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा लिखेंगे। बंद करो।